महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कारगर सिद्ध होगी। राज्य मंत्री राठखेड़ा ने पात्र महिला हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का किया वितरण। पोहरी जनपद सभागार में आज लाडली बहना कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। बहनों को सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र महिला हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा द्वारा किया गया। आपको बता दें कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी। राज्य मंत्री राठखेड़ा ने पोहरी जनपद पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस बहनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में शासन सतत प्रयास कर रही है। स्वरोजगार और आजीविका के संसाधनों में महिलाओं के सशक्त भूमिका को विकसित किया जा रहा है। इन योजनाओं में से अनूठी लाडली बहना योजना से बहनों में आत्मनिर्भरता आएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि आगामी 10 जून को बहनों के खाते में 1,000 रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खुशी की ये लहर है। आज लाडली बहनों की सब जगह हमने मीटिंग की, सब बहनों को बुलाया, उनको प्रमाण पत्र हमने बांटे। हमारी विधानसभा में 34,914 हैं, इतने फार्म हमने भरे, जांच कराया, वो कंप्लीट हो गए। सारी बहनों के खाते में शाम को 10 तारीख को 5 बजे 1,000 हम सब बहनों के खाते में डाल देंगे। तो बहनों का उत्साह आपने भी देखा, मैंने भी देखा। बहनों का भी इतना उत्साह कि दिन भर वो अपने घर पर मोहल्ला की बहनों को बुलाएंगे, गीत गाने गाएंगे, अपने घर पर दिया जलाएंगे और ऐसा लगेगा उस दिन पूरे प्रदेश में कि आज दिवाली का दिन है। उत्साह पूर्वक है, सारी बहनों को बहुत उत्साह। और हर बहन का कहना है कि भाई हो हमारा शिवराशि चौहान जैसा हो जिसने हमारी सुख दी, क्षेत्र में खुशी की लहर है, इसलिए हम सब प्रसन्न हैं। इसलिए घर घर जाके एक एक भाजपा का कार्यकर्ता एक एक बहन को प्रमाण पत्र बांट रहा, उनको अवगत करा रहा है, बहन जाके 11 तारीख को अपना पैसा निकाल सकते।